रोल। नमस्कार, सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुल प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम माप की बात, आपका देश आपकी आवाज। आपका देश आपकी आवाज में हमारे साथ आज खास मेहमान किसानों के हमदर्द और किसानों के नेता राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन के मुखिया भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरह से भारत देश का किसान किसी भी देश का, जैसे भारत को किसानों का देश माना जाता रहा है, किसान प्रिय देश है, तो आज किसान रोड पे है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान परेशान है, तो किस तरह से सरकार होंगे? देखो, सरकार तो कोई काम कर नहीं रही है और हालात बहुत ज्यादा खराब आज गांव के लोगों के हैं। वो किसान है, मजदूर है जो खेत में काम करता रहा, वो गांव में रहने वाला दुकानदार हैं, पशुपालक हैं या जो सब्जियों की खेती करता है, वेजिटेबल फार्मर्स हैं, तो पूर्ण रूप से हालात उसकी बहुत ज़्यादा खराब हैं। और दिक्कत ये है कि उसको फसलों के दाम उसको नहीं मिलते, और अगर दाम कुछ मिल भी गए तो वो पैसा उसका फंसा रहता है, 6-6 और 8-8 महीने तक उसका भुगतान नहीं होता। तो ये बड़ी समस्या है और सरकार कोई रोल प्लेसमेंट नहीं करती। जैसे अभी हाल ही देखने को मिला था, जैसे इंडस्ट्री है ग्रोडा में बहुत बड़ी उद्योग लगाने जा रही है सरकार, लेकिन उसी के एवज में बहुत सारे किसानों ने जो धरना प्रदर्शन किया, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, फिर बाहर निकल के आते हैं। तो उनकी जो मांग थी, किसानों के जो बेटे हैं उनको वहाँ का रोजगार मिलना चाहिए, या फिर उनकी जो जमीन है उसके मुआवजे के अधिक तौर पर कुछ और सारी जो चीज़ें हैं सुविधा मुहैया कराना चाहिए, तो उसके लिए किस तरह की लड़ाई है? ये एक बड़ी समस्या है पूरे देश भर में कि जितनी भी इंडस्ट्रीज लगती हैं वे लोकल लोगों को रोजगार कम देते हैं। नोएडा में भी जैसे सैमसंग ग्रुप वहाँ पर लगा आपकी, जहाँ पे किसान अरेस्टिंग हुई, उन लोगों की डिमांड ये थी कि लोकल के लोगों को भी प्राथमिकता के आधार पे और एजुकेशन उनकी है उस आधार पे उनको भी जोड़ दिया जाए, जिस कि उनके पास में एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन उनके पास में है, उनको जोड़ दिया जाए। और बहुत किसानों की उसमें जो ज़मीन गई है उस किसान का मुआवजा भी उन्होंने नहीं उठाया किसानों ने, उनकी भी वो भी एक बड़ी भूल की डिमांड थी। गन्ना की जो लड़ाई हमारे बाबा साहब भी लड़ा करते थे, आप भी उनकी बच्चनों पर चल के किसानों की, जो गन्ना किसान है उनकी आज भी समस्या जहाँ तक है वहाँ तक है, सीमित है। और भाजपा की जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, गन्नाओं की जो समस्या थी उसको निवारण करने के लिए, किसानों के जो ऋण था उसको माफ करने के लिए, तो आपकी नज़रिए से कितनी सारी चीज़ें सॉल्व हुई हैं? देखो, सॉल्व नहीं हुई। गन्ने की जो पॉलिसी है, गन्ना जो एक्ट है, उसमें यह है कि भुगतान हम 15 दिन में भुगतान दे देंगे, ये सरकार का ही बना हुआ कानून है और उस पर पूर्ण रूप से सरकारी उस पर फेलियर हुई। आज भी 15 दिन में भुगतान नहीं होता, आज भी जो भुगतान हो रहा है करीब 8-8 महीने हो गए, 1 साल हो गया भुगतान, तो ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं समस्या करने की। जहाँ तक कर्जा माफ़ी की बात उत्तर प्रदेश सरकार की है, 36,000 करोड़ रुपए का उन्होंने कर्जा माफ़ करा, लेकिन कर्जा तो बहुत ज़्यादा है और ये पूरे देश भर में कर्जा है। ये कर्जा क्यों हो रहा है, हमें भाव नहीं मिलेगा तो बैंकिंग का कर्जा बढ़ेगा, प्राइवेट लोन बढ़ेगा, तो ये समस्याएं आएंगी। हमको फसलों का भाव चाहिए। एक बड़े नेता ने, भाजपा के बड़े नेता ने बयान किया था कि आज के जो किसान है एक्चुअल किसान लड़ाई नहीं है, गाड़ी घोड़ा वाला किसान हो गया तो किसानों की समस्या ही नहीं है। नहीं, वो तो कौन वो लोग थे, हमें तो इस तरह के नेता नहीं मिले कि ये बयान दिए हैं, लेकिन वो गलत चीज़ है कि बयान दे रहा। अगर गाड़ी या कोई ले रहा है तो दूसरा कोई काम धंधा करता हो, काम कर नौकरी करते हो तो वे ले लीजिए, गाड़ी एक जरूरत की चीज़ है सभी, और सब गाड़ी कर्जे पे लेते हैं, जरूरत पड़ती है सबको जाने की। लेकिन अगर असलियत में आप किसान को देखोगे जो पूर्ण रूप से खेती पर निर्भर है, वो इन चीज़ों से बहुत दूर है, उसका तो खर्चा भी नहीं चलता। अगर कोई दूसरा रोजगार उसके पास में नहीं है, उसका एक बेटा कहीं नौकरी या वो नहीं कर रहा, तो असलियत का जो किसान होगा वो इस गाड़ियाँ नहीं ले सकता। भारतीय किसान यूनियन जैसे कि किसानों की बहुत हमदर्द और किसानों की आवाज़ उठाती रही है, किस तरह के रूट में तैयार किए हैं आपने, क्या लड़ाइयाँ और हैं जो आगे किसानों की, किसानों की पूरे देश भर में किसान परेशान है, पीड़ित है,
और उनकी जरूरत है, जरूरत मतलब आप किस तरह से उनकी लड़ाई लड़ेंगे? लड़ाई लड़ जाएगी। बड़े इशू आज देश में हैं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग इशू हैं, और इन सब को जोड़ के एक मार्च हम निकाल रहे हैं। हरिद्वार से वो यात्रा चलेगी 23 सितंबर को चौधरी टिकैत घाट से, और वो दिल्ली 2 अक्टूबर को आएंगे। उसके जो इशू रहेंगे, संपूर्ण कर्जा माफी पूरे देश के किसानों का, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करा जाए, ये उसका एक बड़ा इशू होगा। बिजली किसानों को एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए बिजली फ्री दी जाए, जो 10 साल पुराने ट्रैक्टर डीजल से चलने वाला पंपिंग सेट ट्रैक्टर, ये जो बंद करने की बात सरकार ने करी है, इसको खोला जाए, यही कानून चेंज हो या ये ट्रैक्टर चेंज हो, ये एक बड़े इशू है। बड़े इशू ये है कि जिस तरह से फसल बीमा योजना है, उसका कोई लाभ किसानों को नहीं हुआ है। वो इंडिविजुअल हो और स्वैच्छिक, मतलब जो किसान चाहें तो उसका बीमा करोगे, ये बड़े इशू हैं इस यात्रा के। कि ये जिस यात्रा में कितने लोग सहभाग लेंगे, कितने लोगों का यात्रा होगी, कितने चरणों में होगी या चरणबद्ध होगी, कितने जगह जाएगी ये यात्रा? करीब करीब 10 जगह इसके पड़ाव होंगे। 2 पड़ाव इसके हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में होंगे जो उत्तराखंड में है, 3 इसके मुजफ्फरनगर में होंगे, 2 इसके फिर मेरठ में होंगे, और 2 इसके गाजियाबाद में होंगे, 1 दिल्ली का। ये यात्रा पूरे किसानों के मुद्दों के लेके साथ ये सारी चीजों का, आपको क्या लगता है कि किसानों की जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, आपकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जरूर लड़ाई लड़ रहे हैं, कितनी आपको किसानों की मदद मिली? मदद मिलेगी, इसमें काफी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, लाखों लोगों से ज्यादा इसमें पब्लिक आएगी, किसान आएंगे, ट्रैक्टर लेकर अपने आएंगे, और बड़ी समस्या किसानों की है, तो इसमें बड़ी संख्या में लोग इसमें जुड़ेंगे, और पूर्ण रूप से किसान अपनी जिम्मेदारी पाएगा, अपना खाना लेकर आएगा, अपना राशन लेकर आएगा, और बहुत तैयारी, जिस हिसाब से गांव से रिपोर्ट आ रही है, जिस हिसाब से अलग अलग स्टेट से रिपोर्ट आ रही है, तो बड़ी संख्या में लोग इसमें भागीदारी करेंगे। थैंक यू। तो ये हमारे साथ थे किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के मुखिया राकेश टिकैत, जिन्होंने इतनी सारी बातों के जो जवाब थे उनको मुखर तरीके से जवाब दिया। सहयोगी संवाददाता रिंकू यादव के साथ सक्षम न्यूज़ इंडिया दिल्ली।